कि सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है जूलॉजी का सेकंड पेपर, ठीक है। बीएससी पास्ट फर्स्ट ईयर वालों की 2019 में जो एग्जाम लगी थी बीएससी पास्ट फर्स्ट की, वो पेपर है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा कि 2019 में जो एग्जाम लगी थी वो कैसे लगी थी, मतलब पेपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और 19 में के बाद 20 में और 21 में अभी एग्जाम नहीं लगी थी कोरोना की वजह से, अभी 22 में लगने वाली है, ठीक है। तो देख लीजिए 2019 में जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर वालों की जो जूलॉजी का सेकंड पेपर था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो पहले आपको से पार्ट ए में भाग ए में आपको यहाँ पे छोटे क्वेश्चन आंसर है, छोटे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक या दो लाइन में जिनका आपको आंसर देना होता है, ठीक है। तो जो छोटे क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे इकाई झिल्ली अवधारणा क्या है, ठीक है। 1780 प्रकार के राइबोसोम में कोई दो अंतर बताइए। डीएनए के पुनरावर्ती की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम के नाम लिखिए। जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं। संकरण विषाणु को परिभाषित कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व तो बताइए। प्रतिसंकरण क्या है। स्वतंत्र अक्षुण का नियम क्या है, ठीक है। और पॉलीट्रिन गुणसूत्र क्या है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पेज जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब सेक्शन यहाँ पर ए आ गया है, सेक्शन ए मतलब पार्ट सेकंड है, ठीक है। जिसमें आपके यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, जिनका हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे 6 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं छः मतलब हर क्वेश्चन मतलब 6 नंबर का है। तो देख लीजिए एक बार कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पे है सक्रिय परिवहन क्या होता है। सक्रिय परिवहन की क्रियाविधि को उचित उदाहरणों के द्वारा समझाइए, ठीक है। तो ये पेपर था पहले मतलब पोस्टपेंड हो चुका था, मतलब बीच में पोस्टपेंड हो चुका था, मतलब जूलॉजी का ये पेपर है, बाद में इसकी एग्जाम ली गई थी। इस वजह से ये छोटा पेपर है, मतलब वापस बनाया हुआ पेपर है, एक ही पेज में, एक ही पेज है, सिर्फ एक पेज है, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। लाइसोसोम, ठीक है, और अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन ए, ठीक है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोकैरियोटा में डीएनए में पुनरावर्ती की क्रिया का वर्णन कीजिए यहाँ पे, ठीक है। प्रोकैरियोटा में डीएनए की पुनरावर्ती की क्रिया का वर्णन कीजिए और निम्न पर विभेद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हेटेरोक्रोमेटिन और एवं यूक्रोमेटिन के बारे में आपको यहाँ पर टिप्पणी में विभेद करना है, ठीक है। दोनों के में अंतर बताना है, ठीक है। और यहाँ पे डीएनए और आरएनए के बारे में दोनों के बीच में आपको यहाँ पे अंतर बताना है, ठीक है। सेक्शन मतलब हाँ, इस नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका टिप्पणी, ठीक है। तो टिप्पणी में पूछा गया है साइकिल कोशिका चक्कर, ठीक है, और गुणसूत्र की संरचना क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी में, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी में क्या आया था। यहाँ पे उत्तर परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। बहुगुणिता की विस्तार से विवेचना कीजिए, ठीक है। उत्तर परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। बहुगुणिता की विस्तार से विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका नवा, जिसमें पूछा गया था टिप्पणी, ठीक है। तो टिप्पणी में है शैलघनता एवं जीन विनिमय और डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन होने वाला है आपका नेक्स्ट, जिसमें है कोशिका द्रव्य वंशागति और आरएच फैक्टर उसका महत्व, ये थे दोनों टिप्पणी, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है जो कि जूलॉजी का सेकंड पेपर था, सेल बायोलॉजी, सेल जूलॉजी का सेकंड पेपर था जिसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। ये जूलॉजी का सेकंड पेपर था जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर वालों का जो 2019 में एग्जाम लगी थी पेपर लगा था वो ये पेपर था, ठीक है। फर्स्ट अपलोड हो गया, सेकंड अपलोड हो गया और थर्ड भी आपको जल्दी इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। और भी मतलब कुछ सारे पेपर अपलोड होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मतलब बीएससी की अगर रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्द दे दूँगा, ठीक है।